आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू के पराठे बनाने का तरीका। तो ये आलू के पराठे जिस तरीके से मैंने बनाए हैं तो ये बिखरेंगे भी नहीं और बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट बनके तैयार होंगे। ये मैंने 4 से 5 आलू लिए हैं, मैं तकरीबन 4 से 5 पराठे बनाऊँगी। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप ज़्यादा आलू का इस्तेमाल करें। अब हम आलू को छील लेंगे, हमें आलू के छिलके निकाल देने हैं। हम बगैर उबाले आलू के पराठे बना रहे हैं बिल्कुल नए तरीके से। तो हमें सारे ये आलू है जो लिए हैं मैंने, इनको छीन लेना है। तो जिस तरह से मैं आलू के पराठे बनाऊंगी आप भी उसी तरह के से बनाइए, बहुत ही सॉफ्ट और यम्मी बनके तैयार होंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे फुल वॉच करें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो ये मैंने आलू को छीन लिया है और अच्छे से इनको वॉश भी कर लिया है। अब हम इनको कद्दूकस करेंगे। मेरे पास जो बड़ा वाला कद्दूकस है उनके बड़े छेद है, तो आपको बारीक वाले छेद से करना है, जिससे मैं कर रही हूँ बारीक वाले से करना है। तो ये मैंने आलू का कद्दूकस कर लिया है। अब इसको अच्छे से मुट्ठी से इसका पानी है वो निकाल देंगे इस तरीके से। ये सारा पानी निकल चुका है इसका, मैं सारे आलू को अच्छे से निचोड़ लूँगी इस तरह से। उबले हुए आलू का आपने पराठे काफ़ी बनाए होंगे तो आप इसी तरीक़े से बनाइए, बहुत ही पसंद आएंगे। आप नाश्ते में, लंच में बनाइए या अगर शाम को डिनर भी बना सकते हैं। तो ये मैंने 2 चम्मच देसी घी लिया है, हमारा पैन गर्म हुआ तो मैंने इसके अंदर देसी घी ऐड कर दिया है। जब हमारा घी गर्म हो जाएगा तो हम आलू को जब कद्दूकस किया है इसको इसके अंदर फ्राई करना है। इसको 5 मिनट के लिए अच्छे से घी के अंदर रोस्ट करना है और इसको बीच बीच में ऐसे ही हिलाते रहना है। हमें गैस को लो फ्लेम पर बिल्कुल नहीं करना है, हमें तेज आंच पे इसको पकाना है, रोस्ट करना है। अब हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए कितना लच्छेदार बन चुका है आलू को रोस्ट किया हमने। अब हम 1.5 चम्मच घी और ऐड करेंगे, इसके साथ ही 1 कटा हुआ बारीक प्याज है ये मैंने, और 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च है, इसको भी हल्का सा रोस्ट करेंगे। इसके साथ ही 1/2 छोटा चम्मच जीरा ऐड करेंगे, इसको भी हम हल्का सा ही रोस्ट करेंगे, इसे भी ज़्यादा नहीं करना है हमें। इस तरीके से अब हम इसके अंदर 1/2 छोटा चम्मच जीरा ऐड करेंगे और 1/4 से भी कम हमें राई ऐड की है। अब हम इसके अंदर जो आलू का जो रोस्ट किया हुआ है वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके साथ 1/2 छोटा चम्मच नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। आप अपने जायके के हिसाब से इसके अंदर नमक ऐड करिएगा। 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए अच्छे से इसका मसाला हो गया। आपने इसके अंदर 1 चम्मच अमचूर पाउडर ऐड किया है, इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जी ये मैंने एक लोई ली है आटे की, हम जो नॉर्मली रोटी बनाते हैं उसी का आटा लिया है, इससे अच्छे से बेल लेंगे हम। इस तरह से इसको बेल लेंगे
और जो आलू का मसाला हमने तैयार किया है ये इसके अंदर ऐड करेंगे। इस तरीके से इसको लगा लेना है। अब हम इसको अच्छे से पैक कर देंगे। अब मैं जिस तरीके से आपको बता रही हूँ आप उस तरीके से करेंगे तो आपके आलू के पराठे बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। इस तरह से अब हम एक रोटी की तरह इसको बेल लेंगे। हमें इसको हल्के हल्के हाथों से बेलना है। अगर हमारा हाथ ज़्यादा इस पे लगा तो समझ लो ये फट जाएगा। इस तरीके से ये देखिए हमारा आलू का पराठा इस तरीके से बनके तैयार हुआ है। अब हम अगर आप चाहें तो घी में भी इसको फ्राई कर सकते हैं, पर अब मैं इसको रिफाइंड ऑयल में ही फ्राई कर रही हूँ। तब एक तरफ से हो जाए तो हम इसको पलट लेना है और फिर से इसके ऊपर ऑयल लगाना है। ज़्यादा ऑयल में भी नहीं तलना है इसको, हल्के हल्के ऑयल में इसको। इस तरीके से हमारे सारे पराठे बनके तैयार हो गए हैं। तो ये मैंने दही लिया है, दही के ऊपर हल्का लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है और थोड़ा कुछ मसाला ऐड किया है, जीरा पाउडर वगैरह। तो आप इसे ज़रूर बनाए माचे।